नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी रोचक जानकारियां बताएंगे जिसे आप जानना चाहते थे पर किसी ने आपको बताया नहीं। सऊदी अरब, आप जानते होंगे सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसके कानून पूरी दुनिया में फेमस है। सऊदी अरब के लोग रेत, तेल, सेख और मक्का मदीना की वजह से जानते हैं, लेकिन आज हम आपको सऊदी अरबिया के कानून और ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आप हमेशा से जानना चाहते थे। सऊदी अरब के 14 कानून जो आप नहीं जानते। सऊदी अरब में महिलाओं को हिजाब में रहना पड़ता है। यहाँ तब तक रेप की सज़ा नहीं मिलेगी जब तक उसे 4 चश्मदीद गवाह नहीं हो। सऊदी अरब में महिलाएं गैर मर्दों से नहीं मिल सकती, और जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाती हैं तो उनके साथ परिवार का एक पुरुष भी होना चाहिए। ये कानून सख्ती से लागू किया जाता है। सऊदी अरब दुनिया के उन चुनिंदे देशों में से है जहां महिलाओं के पहनावे पर खास पाबंदी है। यहां घर से बाहर निकलने पर महिलाओं के केवल हाथ और आंख दिखनी चाहिए। सऊदी अरब में पॉन्ट देखने पर सख्त पाबंदी है। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो समझ लेना आप गए। सऊदी अरब में आप सॉस वाला सैंडविच नहीं खा सकते, और यहाँ सुअर के मांस पर भी बैन है। सऊदी अरब में आप वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। इस दिन के आसपास पूरे हफ्ते दुकानदार अपनी दुकान पर दिल के आकार की चीज़ें भी नहीं रख सकता। सऊदी अरब में सिनेमा बैन है। यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे देश में सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि फिल्म देख सके। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ महिलाएं ड्राइविंग के लिए तरसती हैं। यहाँ की महिलाएं जहाज तो उड़ा सकती हैं लेकिन गाड़ी नहीं चला सकती। सऊदी अरब में समलैंगिक संबंध नहीं बना सकते, ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाती है। किसी की संपत्ति को आग लगने पर, जैसे घर जलाना आदि पर, सिर्फ एक ही सज़ा है, मौत। सऊदी अरब में जादू और टोने पर पूरी तरह से बैन है। यहाँ की एक स्पेशल पुलिस केवल जादूगरों को पकड़ने का काम करती है, ऐसा करने पर सीधा गला काट दिया जाता है। सऊदी अरब शायद दुनिया का वह देश है जहाँ महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने के लिए अपने पति से इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर वो अपने पति से इजाज़त नहीं लेती है तो फिर उन्हें इसकी मंजूरी नहीं मिलेगी। सऊदी अरब के ऊपर से जो जहाज गुजरेगा उसमें शराब नहीं मिल सकती। हैरानी की बात तो यह है कि पूरी दुनिया इस कानून को मानती है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलती। यहाँ गैर मुस्लिम अपनी पूजा पद्धति भी नहीं अपना सकता। अगर आपको इस तरह की जानकारियाँ और चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।